अरे भाई, तुम्हें भी क्या क्लैश स्क्वाड में ग्रैंड मास्टर करना है, टॉप वन पे जाना है? अरे हाँ भाई हाँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप जो है क्लैश स्क्वाड में ग्रैंड मास्टर कैसे कर सकते हो। एकदम सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिनका आप लोग फॉलो करके आराम से जो है क्लैश स्क्वाड रैंक में ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। अब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर कि आप लोगों को ग्रैंड मास्टर करना है तो सबसे पहली चीज आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो पुश। दूसरी चीज जो है गाइस वो ये है कि अगर कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हैं तो प्लीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जो है गेम ज्यादा ना खेलें। और अगर कि आपके पास परमानेंट स्क्वाड नहीं है तो आपको जो है इस क्लैश स्क्वाड रैंक में ग्रैंड मास्टर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और हो सकता है कि आप कर ही ना पाए क्योंकि आपके सामने जितने भी बंदे आएंगे वो जो है अपनी परमानेंट स्क्वाड के साथ आएंगे एंड फुल्ली स्ट्रेटजी के साथ खेलने वाले हैं। गाइस यहां पर जो हम बात करेंगे पहली टिप के बारे में और कैरेक्टर स्किल्स के बारे में भी हम बात करेंगे वो जो है गाइस हम एंड में बात करेंगे कि बेस्ट कैरेक्टर स्किल कौन सी है। पहले जो है गाइस हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टिप नंबर 1 जो है गाइस वो ये है कि आपके जो टीममेट्स होंगे उनमें जो आप लोगों को वर्क को जो है बांट देना है। वर्क को बांट देना आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान के चलो आप लोग चार बंदे हो, ऐसा नहीं है कि इस चारों के चार बंदों ने पहले ही राउंड में M500 ले ली या फिर चारों के चार बंदों ने G18 ले ली। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना अगर कि आप लोगों को ग्रैंड मास्टर करना है। तो सबसे पहली चीज अपने स्क्वाड में गाइस दो बंदे ऐसे जरूर रखना जो कि गाइस शॉर्ट रेंज की फाइट में एकदम माहिर हो, अगर कि उनके सामने दो बंदे भी आ जाए तो वो उनसे लड़ सके। एंड गाइस एक बंदा अपने स्क्वाड में एक ऐसा जरूर रखना जो कि लॉन्ग रेंज में आप लोगों को कवर दे, और एक बंदा आपके स्क्वाड में गाइस नेडर होना चाहिए जो कि नेड करे, क्योंकि गाइस क्लैश स्क्वाड में आपको नेड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कि आप ग्रेनेड यूज नहीं करोगे तो सामने वाले बंदे ग्रेनेड यूज करेंगे, और ग्रेनेड गाइस एक गेम का पार्ट है। और अगर कि आप ग्रेनेड यूज करते हो और सामने वाला बंदा आपको नूब बोलता है तो सिंपल सी बात है उसे खुद यूज करना नहीं आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो गाइस ग्रेनेड का यूज जरूर करें और अपने स्क्वाड में एक ऐसा बंदा जरूर रखें जो कि ग्रेनेड करने में एकदम एक्सपर्ट हो। जैसा कि आप सभी लोग गाइस इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो, ये जो है गाइस एक कस्टम मैच की क्लिप है। मैं गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ लिमिटेड एमओ यस वाला कस्टम खेलता हूँ, लिमिटेड एमओ नो वाला नहीं, वो भी खेलता हूँ लेकिन यस वाला मैं ज्यादातर खेलता हूँ। यहाँ पर जो गाइस हुआ क्या कि मेरा फ्रेंड जो है वहां पर सामने बैठा हुआ था, मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड जो है वहां पे बैठा हुआ है, उसको पता नहीं था कि मैं वहीं पे हूँ। एंड मैंने जो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ग्रेनेड यूज किया, कुक करके मैंने ग्रेनेड फेंका एंड वो जो यहाँ पर डाउन हो गया एंड वहां पर जाके जो मैंने उसको जो है खत्म भी कर दिया। एंड गाइस क्लैश स्क्वाड में आप जो ये ट्रिक का यूज कर सकते हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाले बंदे को आपकी पोजीशन का पता बिल्कुल भी ना चले। आप जहाँ पे भी जाओ कोशिश करो कि एनिमीज से छुप के जाओ, एनिमीज को बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि आप कहाँ पे हो। उसके बाद आप जो है एनिमीज को सरप्राइज करके मार सकते हो, एंड सरप्राइज करने वाले भी काफी ज्यादा काम की ट्रिक है, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं गाइस हमारी अगली स्ट्रेटजी के बारे में जो कि गाइस क्राउच स्ट्रेटजी। अब ये जो क्राउच करके मारने वाली स्ट्रेटजी है ना, इसका मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्लैश स्क्वाड रैंक मैचेस में। अब देखो मान के चलो आपकी किसी बंदे से फाइट चल रही है और आप अचानक से एकदम से बैठ जाते हो, तो बंदा जो है सिंपली मतलब फायर करता रहेगा। अब उसको अचानक से लगेगा कि भाई ये बंदा कहाँ गया, और मैं गाइस क्राउच स्ट्रेटजी का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा जब मैं क्लैश स्क्वाड खेलता हूँ तो बैठ के मैं बहुत ज्यादा बंदों को मारता हूँ शॉर्ट रेंज में। एंड इसमें गाइस एक रिस्क भी होता है कि आपको जो हेडशॉट भी पड़ सकते हैं, तो ये आप अपनी रिस्क पे करें। तो गाइस अभी हम बात करते हैं अगली टिप के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जो है क्लैश स्क्वाड रैंक में जो है गाइस वेपन्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर कि आपके पास कॉइन है तो आप जो वेपन्स को परचेस कर सकते हो, वरना आप अपने फेवरेट वेपन्स को परचेस नहीं कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर जो गेम में एक मैसेज का सेक्शन होता है वहां पर एक डायलॉग भी है सेव मनी। तो गाइज एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो गाइस क्लैश स्क्वाड रैंक अगर कि आप खेल रहे हो ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हो तो जितना हो सके गाइस मनी को सेव करो। मैंने काफी सारे बंदे ऐसे देखे हैं कि गाइस उनके पास अगर कि थोड़ा बहुत पैसा बचे तो वो जो मशरूम खरीद के डाल देते हैं, लाइन से मशरूम खरीद के डाल देते हैं। तो भाई ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है अगर कि आप ग्रैंड मास्टर के लिए पुश कर रहे हो। और अगर कहीं आपके पास एक राउंड और बचा हुआ है तो जितना हो सके मनी को सेव करो। अगर कि आपको ऐसा लगता है कि भाई लेवल 3 की वेस्ट लेना जरूरी नहीं है, मैं लेवल 2 की वेस्ट ले लेता हूं और एक ग्लू वॉल लेता हूं, इससे मेरा काम बन जाएगा, तो आप ऐसा करें गाइस। एंड गाइस यहां पे जो आप लोगों को क्लैश स्क्वाड में एक चीज का और ध्यान रखना है, जितना हो सके गाइस रोटेशन लेना है। अब आप एनिमीज को जो गाइस उनके पीछे जाके मारोगे ना, पीछे से जाके मारोगे तो और भी ज्यादा बढ़िया है। अब यहां पर आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो सामने वाले बंदों को बिल्कुल भी पता नहीं था मैं उनके पीछे से आने वाला हूं, एंड मैंने जो उनको पीछे से मार के सरप्राइज कर दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसका आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें जो गाइस रिस्क भी है। अगर कहीं एनिमीज ने आपको स्पॉट कर लिया तो आप वहां पर अकेले पड़ जाओगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये ट्रिक भी आप अपने ही रिस्क पे यूज करें। अब यार देखो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं गाइस मिस्टेक्स की कि क्या मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि आप लोगों को एकदम घुस के रश नहीं करना है। काफी सारे बंदे क्या करते हैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, मान के चलो उन्होंने 3 राउंड जीत लिए तो वो क्या करते हैं एकदम घुस के रश कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर कि आपने 3 राउंड जीत
जीत लिए हैं और आपको एक राउंड और जीतना है, तो आप लोगों का उसी तरीके से खेलना है जैसे कि आप लोगों ने 3 राउंड पहले खेले। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। आप लोगों ने गाइस देखा होगा कि आपने 3 राउंड जीत लिए, सामने वाले बंदों ने जो है कवर भी कर लिया और वो सामने वाले बंदे जीत जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये बस ऐसे ही होता है कि आप लोग ये गलती कर देते हो कि आप लोग एकदम खुल के खेलने लगते हो। कंटिन्यूअसली गाइस आप लोगों को अपने गेम प्ले को मेंटेन रखना है, जैसा आप लोग पहले खेल रहे हो वैसे आप लोगों को अभी भी खेलना है। ज्यादा राउंड जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अभी हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर स्किल्स के बारे में। तो बेस्ट कैरेक्टर स्किल्स करके हम बात करें तो सबसे बढ़िया जो कैरेक्टर स्किल है क्लैश स्क्वाड के लिए वो है गाइस एंटोनियो कैरेक्टर की स्किल। अब यार देखो एंटोनियो एक ऐसा कैरेक्टर है वो आप लोग गाइस हर एक राउंड में 235 HP देगा। मान के चलो सामने वाले बंदे के पास 200 HP, आपके पास 235 HP है, मतलब 235, तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और इसके साथ में जो कैरेक्टर स्किल आपको यूज करनी है वो है गाइस मैक्सिम कैरेक्टर की स्किल। अब यार देखो क्लैश स्क्वाड रैंक में ना बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमें हीलिंग बैटल करना होता है, तो आप यहाँ पर मैक्सिम कैरेक्टर की स्किल का यूज कर सकते हो। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है हीलिंग बैटल के लिए। अगर कि आपके पास मैक्सिम कैरेक्टर होगा तो आप जो है जल्दी जल्दी मेडकिट मार के जो है जोन फाइट्स को भी जीत सकते हो। अभी हम बात करते हैं गाइस हमारी अगली कैरेक्टर स्किल के बारे में जो कि गाइस केली कैरेक्टर की स्किल है। अभी यार देखो केली एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि 90% बंदे यूज करते हैं। 95% बंदे यूज करते हैं केली कैरेक्टर। आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है मूवमेंट के मामले में। अगर कि आप लोगों को फास्ट मूवमेंट करके गेम प्ले करना है तो आप जो है इस केली कैरेक्टर का यूज जरूर करें। और जो चौथी कैरेक्टर स्किल होने वाली है वो है गाइस एक्टिव कैरेक्टर स्किल। अगर कि आपके पास कोई भी एक्टिव कैरेक्टर स्किल है तो आप जो है वो यूज कर सकते हो। एक्टिव कैरेक्टर स्किल्स जितनी भी हैं गाइस वो सारी की सारी बहुत ज्यादा काम के स्किल्स हैं। कोई भी एक्टिव कैरेक्टर स्किल जो है बेकार नहीं है, बहुत कम ऐसी एक्टिव स्किल्स हैं जो कि बेकार है। लेकिन एक्टिव स्किल्स में अगर कि हम बात करें तो बेस्ट कैरेक्टर स्किल जो है गाइस वो है गाइस क्रोनो। क्रोनो एक ऐसा कैरेक्टर है गाइस जो कि पूरे गेम को पलट देता है, तो आप जो गाइस एक्टिव स्किल्स में क्रोनो कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। और अगर कहीं आपके पास क्रोनो नहीं है तो आप जो गाइस वुकोंग कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, और वुकोंग भी नहीं है तो कोई भी एक्टिव स्किल ले लो, सभी बेस्ट होती हैं। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। होप करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कि आप लोगों का इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इसी टाइप के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।